तो आइए आज चलते हैं मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। यहां पर 1980 की बात है, एक लड़का बाहर से आया था और कुछ काम की तलाश में, लेकिन ऐसा हुआ कि 4 दिनों तक उसे भोपाल की सड़कों की खाक छाननी पड़ी, ना कोई रहने की जगह थी और खाना भी ठीक से नहीं मिला। एक वो दिन था और एक आज का दिन है कि यही लड़का भोपाल के लोगों को एक से एक लजीज व्यंजन, बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बनाकर खिला रहा है और लोग इसकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। और क्या आप सोच सकते हैं कि इसकी इनकम आज लाखों रुपए महीने की है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डोलराज गैरे की। डोलराज गैरे बेसिकली नेपाल के रहने वाले हैं और इनका परिवार भारत में आ गया था जब वे करीब 11 वर्ष के थे। उसके बाद दिल्ली में रहे, पढ़ाई की, लेकिन डोलराज का मन पढ़ाई में ही लगता था, इसलिए कुछ क्लासेस के बाद इन्होंने स्कूल से ड्रॉप आउट हो गए। छोटा मोटा काम जगह जगह करते रहे, दिल्ली में किसी दुकानों पर, किसी इंडस्ट्री में या अन्य कोई जगह। डोलराज को एक बहुत शौक था खाना बनाने का, अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाना और स्वादिष्ट खाना। ये शौक इनको अलग अलग जगह, होटल्स में काम करते थे तो वहां पर भी सीखते थे कैसे खाना बनाएं, कैसे और स्वादिष्ट बनाएं इसको। इसके बाद 1980 में कुछ दोस्तों के कहने पर ये दिल्ली से भोपाल आ गए। भोपाल में आकर के इन्होंने फिर छोटी छोटी होटल्स में काम किया, कुछ दिनों के लिए एमपी टूरिज्म में भी इनको काम करने का मौका मिला। बट ये अपना शौक जो है उसी को आगे बढ़ाते रहे, खाना बनाना, तरह तरह का खाना बनाना, स्वादिष्ट खाना बनाना, इसमें सारा ध्यान रहता था। लेकिन वक्त निकलता गया और 2003 की बात है, इस समय तक एक छोटी सी नौकरी कर रहे थे जिसमें इनको मात्र 8,000 रुपए महीने की तनख्वाह मिल रही थी और एक छोटे से किराए के मकान में ये अपनी फैमिली के साथ रहते थे। लगातार ये सोचते रहते थे कि मुझे जीवन में कुछ बड़ा करना है, इनके सपने थे, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, मैं कुछ अपना व्यवसाय करना चाहता हूं। लेकिन हर बार यही सोच के रुक जाते कि व्यवसाय करने के लिए तो पैसा चाहिए, कैपिटल मनी चाहिए। आखिरकार इन्होंने अपने सपनों को उड़ान दी और ये निश्चय किया कि मुझे अब कुछ अपना शुरू करना है। भोपाल में जैसे कि हर शहर में होता है, लोगों को चाय पीने का शौक होता है। डोलराज गैरे ने सोचा कि मैं कुछ डिफरेंट करूं, मैं कुछ अलग करूं। और वो अलग ये था, उन्होंने सोचा कि लोगों को चाय की आदत से सूप पीने की आदत डाली जाए, जो कि हेल्दी होगा और अलग होगा। यह एक बड़ा साहसी कदम था। ये सोचते हुए उन्होंने भोपाल में अरेरा कॉलोनी में एक 10 नंबर मार्केट है, ये बहुत पॉपुलर मार्केट है, सभी तरह की छोटी बड़ी दुकानें यहां होती हैं। इन्होंने एक साइकिल पर एक सूप का कैन रखा, एक थर्मस, उसमें टोमेटो सूप बनाकर रखा और अपने एक साइकिल के सामने एक पेपर का बैनर लगाया जिसमें लिखा था साइकिल सूप वाला। है ना कुछ अजीब सा नाम? जी हाँ। और एक शेफ का जो कैप है वो अपने सिर पे लगा लिया। इस वेशभूषा में 10 नंबर मार्केट में खड़े होकर के वो एक अजीब दृश्य प्रकट कर रहे थे। आने जाने वाले लोग बड़े आश्चर्य से देख रहे थे और लोगों को ये बोल रहे थे कि आप सूप लीजिए, गरम गरम टोमेटो सूप लीजिए, साइकिल सूप वाला। अपना पब्लिसिटी खुद कर रहे थे। कुछ लोगों ने सूप लिया, लेकिन शुरू में ज्यादा लोग सूप लेने में इंटरेस्टेड नहीं थे। फिर भी जैसे जैसे उन्होंने वहीं पर 10 नंबर मार्केट के आसपास साइकिल पर जगह जगह खड़े होते थे और अपना सूप की पब्लिसिटी करते थे, धीरे धीरे उनकी बिक्री बढ़ती गई, लोगों को सूप पसंद आया। और खास बात यह थी कि उस सूप की कीमत उन्होंने केवल 5 रुपए रखी थी, 5 रुपए में एक कप सूप देते थे, प्रॉफिट मार्जिन बहुत लो थी। लोगों को सूप पसंद आया, उसका रेट पसंद आया और
कुछ ही समय में उन्होंने 300 से 400 रुपए प्रतिदिन की कमाई शुरू कर दी। इस तरह उनको थोड़ा प्रोत्साहन मिला और करीब 2 साल के बाद उन्हें लगा कि अब साइकिल पर यह व्यवसाय नहीं चल सकता है, इसको एक्सपेंड करना चाहिए। इस उद्देश्य से उन्होंने एक छोटी सी दुकान 10 नंबर मार्केट में किराए पर ली और उसमें सूप के अलावा सैंडविच, उसमें बर्गर, बिरयानी, फ्रूट जूस, धीरे धीरे ये चीजें ऐड करते गए और इस दुकान का नाम उन्होंने रखा सागर गैरे फास्ट फूड कॉर्नर। जी हाँ, अब आप सोचेंगे ये सागर कौन है? सागर डोलराज गैरे का बेटा है जिसका भविष्य देखते हुए उन्होंने इस बिजनेस की नींव डाली और आज उनका बेटा इंजीनियरिंग कर चुका है, एमबीए कर चुका है और वो उनके काम में बराबरी से बिजनेस में हाथ बटाता है। ये काम चलता रहा 2008 तक, बहुत मेहनत की डोलराज गैरे ने। वो पूरा सामान खुद लाते थे, खाना बनाने का काम भी करते थे, पैसों का हिसाब भी रखते थे, सारा काम पूरी मेहनत से करते रहे और 2008 में उन्होंने एक छोटी उस दुकान को खरीद लिया जिसकी कीमत उस समय 15 लाख रुपए थी। ये 15 लाख रुपए में उन्होंने कुछ बैंक लोन भी लिया जिसकी मदद से वो दुकान खरीद सके। अब लोगों को उनका स्वाद, जो डिशेस का टेस्ट था, वो बहुत पसंद आया। प्राइस बहुत रीजनेबल रखी थी इसलिए सभी तरह के लोग, कॉलेज स्टूडेंट्स भी, वर्किंग कपल्स भी और भी लोग जो स्वादिष्ट भोजन का स्वाद लेना चाहते थे वो उनकी दुकान पर आकर खाते थे। और अभी हालत यह है कि इस दुकान पर बहुत भीड़ लग जाती है, इतनी भीड़ लगती है कि लोगों को लाइन लगानी पड़ती है टोकन लेने के बाद अपना डिश कलेक्ट करने के लिए। और न सिर्फ ये, इन्होंने धीरे धीरे आउटलेट बढ़ाते गए, एक के बाद एक दूसरे आउटलेट्स भोपाल में खोलते गए। सागर गैरे का नाम इतना पॉपुलर हो गया कि आज की तारीख में सागर गैरे के 10 फूड आउटलेट्स हैं। जी हाँ, ये 10 फूड आउटलेट्स भोपाल के अलग अलग कोनों में बने हुए हैं। डोलराज गैरे के पास आज 150 कर्मचारी सब मिलाकर काम करते हैं। इसमें खाना बनाने वाले लोग भी हैं, कुछ पब्लिसिटी वाले हैं, कुछ मार्केटिंग वाले हैं, कुछ हिसाब किताब रखने वाले हैं, सभी तरह के लोग हैं। और डोलराज का ये तरीका है कि वो सभी को काम सिखाते हैं, बहुत प्यार से उनको हर काम सिखाते हैं और न सिर्फ ये, उनको एनकरेज करते हैं कि वो बाद में अपना खुद का बिजनेस शुरू करें। और इसके चलते कुछ लोगों ने जो शुरू में उनको ज्वाइन किया था, उन्होंने अपनी छोटी छोटी शॉप भी खोल दी है। डोलराज का विश्वास ईश्वर में बहुत ज्यादा है। वो ये कहते हैं, जो मैं कर रहा हूं, अपनी मेहनत कर रहा हूं, अपनी पूरी मेहनत से काम करते हैं और रिजल्ट ईश्वर देते हैं। डोलराज गैरे का सपना है कि ये सागर गैरे फास्ट फूड जो है ये भारत के हर शहर में इनका आउटलेट हो, ऐसा उनका सपना है। और देखते हुए कितनी मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है कि उनका सपना जल्द ही पूरा होगा। जब इतने छोटे से कैपिटल में 50 रुपए की मात्र शुरुआत की बिजनेस की अपने सागर गैरे ने, तो ये इतनी अच्छी बात है कि और लोग जो सोचते हैं कि क्या हम ऐसा करें, कोई बिजनेस शुरू करें, तो उनको सागर गैरे के जीवन से, ये डोलराज गैरे के जीवन से सीख लेनी चाहिए कि जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। धन्यवाद। ये जो कहानी आपने सुनी है ये मेरी पुस्तक रियल इंस्पायरिंग स्टोरीज से ली गई है। इस पुस्तक का हिंदी ट्रांसलेशन भी उपलब्ध है जिसका नाम है सच्ची प्रेरक कहानियाँ। ये दोनों पुस्तकें अमेज़ॉन पर अवेलेबल हैं और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये सच्ची कहानी जो आपने सुनी है आपको बहुत पसंद आई होगी, आप इसको लाइक कीजिए और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिचितों के साथ, जिनको भी आप चाहते हैं, सबके साथ शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। साथ साथ आप हमारे चैनल गुलदस्ता को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन पर आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, हमारा जो भी नया वीडियो अपलोड होगा हम आपको उसके लिए नोटिफाई करेंगे। धन्यवाद।